इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे पूरी दुनिया वाकिफ है। इसराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी पर 7 अक्टूबर को हमला किया और अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। वहां की सेना ने बताया कि अब गाजा में इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद हो गई और गाजा का संपर्क बाकी दुनिया से टूट गया है। सेना ने यह भी कहा कि गाजा पर उन्होंने हमले को बढ़ा दिया। इसराइल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हजारी ने कहा कि गाजा शहर और उसके आसपास वो हमले लगातार जारी रखेंगे। सरकार का कहना है कि आज गाजा पट्टी में फोन और इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मीडिया कार्यालय ने बताया कि इसराइल पर जमीन और हवा पानी से जवाबी हमले दागे जाएंगे। इसराइल के कई शहरों में रॉकेट दागे जाने को लेकर सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी और उस वक्त उत्तरी गाजा में हवाई हमले भी जारी थे। इसराइल ने हमास पर भीषण बमबारी की थी। उसके बाद हमास ने कहा कि फिलिस्तीन क्षेत्र पर इसराइल की जो बमबारी है उसके बाद हमने इसराइल पर भारी बम दागे। इसराइल और हमास के इस युद्ध के बीच सबसे ज्यादा नुकसान मानवता का हो रहा है और खास तौर पर पानी और खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर रोक लगने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहरहाल इसराइल हमास के बीच जो स्थिति चल रही है उससे कोई भी अनजान नहीं है। इसराइल बमबारी से बाज नहीं आ रहा और हम आज भी उनका जवाब रॉकेट से दे रहे हैं। ग्रेनेड मिसाइल से हमले बमबारी लगातार जारी हैं और इनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें आप माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया और यूएन भी ये उम्मीद करके बैठा है कि जल्द ही इसराइल हमास के बीच ये लड़ाई खत्म हो जाए, तभी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के डर से आज़ादी मिल पाएगी।